ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा के नाम पर कोई भी जप, जैसे किसी वेद का मंत्र जाप कर लो, जैसे गायत्री मंत्र बना लिया इन नाड़ियों ने। अब गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, उसका आगे ओम नाम ही न खुद ला लिया। इससे सिद्ध है कि ये भगवान ते भी सहने हो गए जो इसको गायत्री मंत्र बना लिया, या परमात्मा अल्पज्ञ है क्या, उसने अधूरा छोड़ दिया, ओम मंत्र लाना भूल गया वो? नहीं, ये बल्कि और बर्बाद कर दिया। जैसे किसी ने किसी मोटर गाड़ी के पिस्टन के और नट वेल्ड कर दिया, वो तो बर्बाद कर दिया, कंपनी ने पहले बना के ओके करके दे रखा था वो, तो वो जिसने ऐसा किया वो शराब स्वरूप ही रहा होगा या कति अनाड़ी होगा, वो लगा दिया और कहने लगा देख पिस्टन अब सही बन गया ले जैसे, उसने तो बने बनाए को बिगाड़ लिया। ऐसे ही इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 के साथ यदि ओम नाम लगाया जाता है तो परमात्मा का अपमान है। ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और उस परमात्मा का मंत्र कोई और है। अब जैसे प्रधानमंत्री के सामने हम मुख्यमंत्री लगावा, वो हमसे प्रसन्न होगा, नाराज और हो जाएगा, देख के उपाधि दे है मुझे ये नालायक। तो ऐसे जो भूर भवे सवय तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ये मंत्र है ऋग्वेद यजुर्वेद का अध्याय 36 का मंत्र 3। बस इतना हा है, इस मंत्र में उपमा दी है कि ओम भूर, ओम नहीं है, भूर भवे सवय, भू भवे सवय, यानी वो परमात्मा सबसे पहले उत्पन्न होने, सबसे पहला भगवान है और स्वयं ही प्रगट होता है, स्वयं ही, उसका कोई जनक नहीं है, स्वयं ही, और वो परमात्मा की साधना करे, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगे रहने के लिए प्रेरित करे, वो पूर्ण परमात्मा है। तो इस एक मंत्र को हम लाख बार जाप कर लेंगे तो इससे ज्ञान यज्ञ बन जाएगा, और ज्ञान यज्ञ का फल मोक्ष नहीं है, कोई भी यज्ञ है मंत्र जाप को छोड़कर, वो यज्ञ ऐसा समझो जैसे मंत्र तो है वो कैप्सूल, वो दवाई जो रोग काटती है, और यज्ञ वो समझो ग्लूकोस, ग्लूकोस सहारा अवश्य देता है शरीर को लेकिन रोग नाशक नहीं है। ऐसे जो हम पुण्य कर पांच यज्ञ करते हैं उनमें से, जैसे गीता जी का नित्य पाठ करना, या पांच बार की नमाज करना, या सुबह शाम दोपहर की वाणी पढ़ना जप जी आज साहब को, तो ये केवल ग्लूकोस है, ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तो इस प्रकार पांच प्रकार की ग्लूकोज, पांच प्रकार की यज्ञ भी आवश्यक है, क्योंकि हम सत्यु त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को खराब करते आ रहे हैं, पाप इकट्ठे होते आ रहे हैं, हम दीर्घ रोगी हो गए, वीक होगी आत्मा, इसको पहले तो मजबूत करने के लिए ये यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है।
और फिर ये मंत्र के जो जाप है ओम तत् सत, ये तीन मंत्र का जाप है, ओम ब्रह्म का तत् ये सांकेतिक, सत भी सांकेतिक, ये परब्रह्म का और पूर्ण ब्रह्म का, ये ओम तत् सत ये तीन निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थन। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है ओम एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम से याति परमाम गति। मेरा तो एक मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, यही अक्षर है उच्चारण करके श्रवण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्वयं कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे वाली गति भी अनुतम है और ये ज्ञानी लोग हैं तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली गति में ही अनुतम गति में स्थित है आश्रित है। इसलिए गीता जी 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने उस पूर्ण परमात्मा के साधना का ओम तत् सत यही एक निर्देश है, नथिंग एल्स, ये मंत्र है, इसको तत्वदर्शी संत बताएगा। ओम तो ब्रह्म का सीधा डायरेक्ट है, वो तो इसने बता ही रखा, लेकिन तत्व और सत ये नहीं बता सकता, वो पूर्ण परमात्मा बताएगा। तो पूर्ण परमात्मा ने मुझ दास को बताया, इसलिए दास आपको बता रहा है, वो सांकेतिक है, केवल उपदेशी को दिया जाता है, और इन तीन मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। अब प्रसंग चल रहा है कि ये काल हमें यथार्थ मार्ग से अपरिचित रखता है और हम इसके जाल में फंस करके यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रह जाते हैं। तो ये ज्ञान ना ब्रह्मा को पता हुआ, ना विष्णु को, ना शिव को, और न ही दुर्गा को प्राप्त है, ये भी भ्रमित ज्ञान दे रही है। वो परमेश्वर कृपा करते हैं तब हमारे ये ज्ञान समझ में आता है, तो हम जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब ब्रह्म देवी ने बताया है कि वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है, और गीता और वेद बताते हैं कि ब्रह्म लोक तक भी पुनर्वृत्ति में है। जो ओम नाम के जाप से आप ब्रह्म लोक में जाओगे, ब्रह्म लोक में ब्रह्म रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी फिर पुनर्वृत्ति है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में, इसलिए हमने गीता जी अध्याय नंबर 15 में वर्णित उस ज्ञान उस पद को प्राप्त करने के लिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उसके लिए पूर्ण संत तत्वदर्शी संत की खोज करनी है। और 17वें अध्याय के जो 23वें श्लोक में जो मंत्र है वो तीन मंत्र का, कई इसके हरिओम गेल लगा करके हरिओम हरि ओम तत् सत यू हरि और लगा देते हैं, ये जाप नहीं है, ये जाप नहीं है। कि ओम और तत् और सत, ये सत और तत् सांकेतिक है, ये दास बताएगा। फिर इनकी स्मरण की विधि भी तीन ही प्रकार से, त्रिविधि त्रिविध तीन प्रकार से, और तीन ही भगवाना के मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का मंत्र है, तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, और सत ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में तत्ब्रह्म कह के पुकारा है। तो उस तत्ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की साधना का मंत्र ये दास बताएगा, वो सत्य है, ओम तत् सत। इस प्रकार इन तीनों मंत्रों के जाप से हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आएंगे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी, ये जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से हो गए,
किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई सच्चा सतगुरु को यह न पूजे, इन झूठो जगपतिया सी। सच्चा सतगुरु को यह न पूजे, इन झूठो जगपतिया सी। अंधे की बांग ही अंधे नय मार्ग कौन बतासी, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, या जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, या जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अपुण्यात्माओं, परमात्मा की अमृतवाणी आज से 600 वर्ष पहले हमारे लिपिबद्ध हुई थी, लेकिन हम नहीं पहचान सके भगवान कहना के चावे। सारा जग रो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेगा, आग गगन में आग लगी बड़ी भारी, साधो आग लगी बड़ी भारी। कहते ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शंकर लट गया, जल गया लटादारी। अब ये पॉइंट हम नहीं समझ सके, कबीर भगवान ऐसा क्यों कहा करते थे? मरने दुख होता था कि कबीर जी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं सब जल जाएंगे। अब पता चला इनके इतिहास से, इनकी हिस्ट्री से, कि नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी मृत्यु होती है। कौन बताता है? इन्हीं की हिस्ट्री जो देवी पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि में लिखी है। अब देखिएगा थोड़ा सा झलक ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का। यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिन्हलाल गोस्वामी, ये वहीं से प्रकाशित है। प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे थोड़ी सी झलक देते हैं कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी मां से कहते हैं कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा से कहते हैं। तीसरा स्कंद, ब्रह्मा जी का भगवती चरणों में 123 पे, ये तीसरा स्कंद है, अध्याय 4-5। अब कहता है विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें शुद्ध भाषित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव बने जन्म और त्रोभाव बने मृत्यु हुआ करता है। हम जन्मते और मरते, हमारी अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, और प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये आपका गीता जी में काम आओगा, जब गीता जी में सुनाओगे कि प्रकृति दुर्गा है, इससे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी उत्पन्न होते हैं। अब यहां शंकर भगवान स्वयं स्पष्ट करते हैं कि हम तमोगुण हैं, और मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आपसे हुई है। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए।
फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ था, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे पूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध क्या सिद्ध हो क्या कि ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी है, दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा कहते हैं सात ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, सात विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु और 70,000 ये शिव मर जाएंगे जब एक ब्रह्मलोक का एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म रहता है इसकी मृत्यु और ये एक युग होगा परब्रह्म का, ये एक युग होगा परब्रह्म का। 70,000 त्रिलोकीय शिव मर लेंगे जब एक बार ब्रह्मलोकीय ब्रह्म मरेगा, यो काल मरेगा, तो ये एक युग होगा परब्रह्म का। ओहो, और ऐसे जैसे ब्रह्मा जी की एक रात्रि और दिन कितने को, एक दिन है 1008 चतुर्युग का, एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं, 43,20,000 हमारे जो वर्ष है, और 1000 हम इसको 1000 चतुर्युग का लेकर चलते हैं लमसम, 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष ब्रह्मा जी का, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, तो ऐसी 700 वर्ष की होगी विष्णु की, 4900 वर्ष की होगी शिव की, यो मर गए और 70,000 बार जब शिव मर जाएगा तब एक ब्रह्म मरेगा 70,000 बार मरने के बाद। अब आगे गिनती समाप्त हो जाती, इसलिए यहां फिर यो एक युग हो गया परब्रह्म का, एक ब्रह्म की मृत्यु जो 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म रहेगा, यो एक परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे अब आगे चतुर्युग नहीं है, गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इस परब्रह्म के विषय में जानकारी है कि इसका 1000 युग का दिन है, 1000 युग की रात्रि है, नोट चतुर्युग, उसमें चतुर्युग नहीं लिखा है, ये अज्ञान अनजान थे अनुवाद करता है, इनको ये नहीं समझ सके इस मार्ग को, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का दिन बता दिया, ब्रह्मा जी की रात नहीं, उसका जिक्र नहीं है इसमें। तो 1000 युग का परब्रह्म की का दिन और इतनी रात्रि और 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की और परब्रह्म भी मरेगा, लेकिन पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ये कभी नहीं मरता, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे ना कान ना भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी अगर तुमने प्राप्त कर ली तो भी तेरी मृत्यु अंत में होगी, क्यों, क्योंकि तुझे 34वें श्लोक में गीता जी में जो लिखा है वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। इसलिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोग यो रे जिन सतगुरु बैद न जाना, जग सारा रोग यो रे। बोलो सतगुरु देव, परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अविनाशी परमेश्वर, कबीर देव, कबीर प्रभु, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज स्थान सुख में स्थान सतलोक की जानकारी देने के लिए, अपनी महिमा बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही यहां इस काल के लोक में आते हैं। वो परमेश्वर जैसा कि आपको पहले सत्संग में सुनाया कि वो चारों युगों में आते हैं, वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को वो परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा फिर उसको काटकर साफ करते हैं। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं और उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं
वो पुण्यात्मा फिर उस परमेश्वर की महिमा आंखों देखी कलम तोड़ सुनाते हैं। पुण्यात्माओं अब वो समय चल रहा है जिसको बिचली पीढ़ी कहते हैं। इस कलियुग की प्रथम पीढ़ी वो थी जिसमें परमेश्वर सन 1398 में संवत 1455 से लेकर और सन 1518 संवत 1575 तक वो परमेश्वर इस धरातल पर मनुष्य सदृश शरीर में प्रकट रहे, मनुष्य जैसी लीला करके सहशरीर चले गए, सहशरीर आए थे। वो प्रथम चरण था, वो प्रथम पीढ़ी थी। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को। किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय मलुकदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास जी को मिले, आदरणीय भीसा दास जी को मिले। वो परमात्मा सतलोक से आकर के यहां अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो तत्व ज्ञान प्रचार के उद्देश्य को लेकर ही यहां पृथ्वी पर आते हैं। अब उसके लिए कुछ प्रमाण देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान कबीर परमेश्वर का जो ज्ञान है ये पहले ही लिपिबद्ध है। 600 वर्ष पहले प्रभु की महिमा परमेश्वर अपनी ही वाणी में वो स्वयं ही वर्णित करके गए हैं कि चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हे लरे हीरे माणक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में हम आकर के आवाज लगाई, हमने आवाज लगाकर ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी महिमा का आप ही गुणगान किया, क्योंकि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त इस पृथ्वी लोक पर 21 ब्रह्मांड में कोई परमेश्वर जी से परमेश्वर की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। और ये काल भगवान अपने दूत भेज कर ये नकली संत बना करके, नकली झूठे महर्षि बना करके यहां भेजता है और कोरा अज्ञान प्रचार करवाता है। वो चाहता है कि किसी को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की जानकारी ना रहे, ये उवाबाई बकते रहें, एक दूसरे ने कहते सुनते रहें और इस अज्ञान के ऊपर आरूढ़ रहें। और जिस समय वो परमेश्वर आता है, क्योंकि चारों युगों में आता है, काल को पता है, वो जब परमेश्वर आवेंगे या परमेश्वर का कोई प्रतिनिधि नुमाइंदा आवेगा, उसकी कोई भी मानव बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं आए हैं या दास को ड्यूटी लग दी है, सेवा दी है। ये ज्ञान पहले वाले ज्ञान के कति विपरीत है, उल्ट है। इसलिए जो पहला ज्ञान हमने अज्ञान सुना हुआ है, लोक वेद सुन रखा है, उसमें हम रंगे पड़े हैं, कति परिपूर्ण है। और इस ज्ञान को सुनते ही एकदम दिमाग में स्ट्राइक होती है और ये मन बगावत कर देता है, नहीं झूठ है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, हमने कभी नहीं सुना। आज ये कह रहा है रामपाल, कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है, ये कहां से ले आया? तो ऐसे एकदम स्वाभाविक ऐसा होना, क्योंकि हमने सारा लोकवेद दंत कथा सुन रखी थी, वो ठोक ठोक कर रखी अपने अंदर, हजारों वर्षों से यही सुनते आ रहे थे, लाखों वर्षों से। अब कबीर परमेश्वर जी कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानी यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब कबीर परमेश्वर जी का यो तत्व ज्ञान तोब का गोला है। अब यो सब के किले, ये नकली किले बना रखे इन संतों ने, ये पंथ बना रखे, अलग अलग से धर्म बना लिए, ये ऐसा ज्ञान है इन सब को एकम एक कर देगा,
ये सब अज्ञान हटा देगा। तो उस परमेश्वर के बारे में ये दास पहले ही आपको कहा करता था, क्योंकि परमेश्वर के विषय में प्रमाण है कि परमेश्वर दादू साहेब जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा भारत में। उसमें गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी 10 वर्ष की आयु में आयु के थे, सन 1727 में, और अपने ही गौओं के, अपने ही गायों के वो ग्वाले बनकर गए हुए थे पाली। उन्हीं का अपना खेत जो गांव कबलाना की सीमा पर है, उस खेत में गवे चरा रहे थे। वहां परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, एक साधु महात्मा यानी जिंदा महात्मा के वेशभूषा में। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं अधिकतर, वो काला तक कोट पहरे, ऊपर से लेकर एक ही कपड़े का बना हुआ होता है, जिसको चोगा बोलते हैं, चोगा, और नीचे घुटनों से भी 8-9 इंच 10 इंच नीचा होता है, और दाढ़ी बड़ी हुई, और ऊपर एक काला सा टोप लंबे से चोटे का ऐसे करके गोल गोल सा वो पहनता है, वो पहना करते हैं जिंदा रूप में जो मुसलमान फकीर हैं। उस जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा वहां प्रगट हुए और वहां आकर के उन बच्चों जो वहां पाली थे, गरीबदास जी थे और साथ में उनके 5-10 और बड़े बड़े पाली थे जो 30-40-50 वर्ष के आसपास के थे, उन सबको राम राम बोला, प्रणाम किया, तो उन्होंने सबने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, बैठो, आहार कर लो। पाली खाना खा रहे थे। परमात्मा बोले भी खाना तो मैं खा के आया हूं अपने गांव, अपने गांव तक। पालियों ने पूछा कि आपका गांव कहाँ है बाबा? परमेश्वर ने कहा कि सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पर। 16 शंख, लाख करोड़ अरब खरब, नील पदम शंख, 16 शंख कोस की दूरी पर। अब बच्चा ने सुना 16 कोस कहता होगा, गांव पहले ऐसा ही था, कन्वेंस ज्यादा थी नहीं, दूर दूर देश के गांवों को नहीं जानते थे आपस में, बात वो तो समाप्त हुई। पालियों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते ना, तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले आतिथ्य अतिथि सेवा बहुत किया करते थे, श्रद्धा से करते थे। परमात्मा ने कहा भी दूध तो पी लूंगा, पर मैं दूध पिया करूं कुंवारी गांव का, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो वो पाली जो थे बड़े बड़े वो कहने लगे कि बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को नहीं, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? कैसी बात करते हो आप? परमात्मा बोले भाई कुंवारी गाय दूध देती है, मैं उसी दूध को पीता हूं। जब भी यहां इस काल के लोक में आता हूं, गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक, उनकी एक प्रिय गाय की बच्ची थी, दूध छोड़ रखा था और वो ब्याई अभी थी नहीं, यानी अभी नए दूध नहीं हुई थी, अधन्या थी, बिना दनाई कंप्लीटली। उसको लाकर खड़ा कर दिया, एक डेढ़ वर्ष की बच्चिया को, 2 वर्ष की बच्चिया को, कुंवारी गाय को, और कहा बाबा जी इसका बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? आप भी अच्छी बात कह रहे हो। परमात्मा बोले भाई दूध देवेगी, तुम ऐसे करो इसके नीचे एक पात्र रख दो, एक बरोला बोले, बरोला यानी छोटा सा मटका होता मिट्टी का, वो खाली करवाया और उसको कहा कि इसके दूध स्वतन लेवटी ओढ़ी के नीचे रख दे। गरीबदास जी ने ऐसे नीचे किया और परमात्मा ने उस बच्चिया, कबीर परमेश्वर ने उस
कुंवारी गाय के कमर पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए और चारों थनों में से दूध की धार बहन लगी। जब वो मिट्टी का छोटा सा 4-5 किलो का पात्र था वो भर गया, भरते ही दूध अपने आप बंद हो गया। गरीबदास जी ने वो दूध का जो पात्र था परमेश्वर को दिया, परमेश्वर जी ने आधा दूध पी लिया। आधा काले भाई बच्चों तुम पी लो गवा लो, तो जो वो बड़े उम्र के थे पाली गवाले वो कहने लगे बाबा जी हम ना पीवा यो पाप का दूध, तन तक कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। वो तो उठकर चले गए उस डंडी के पेड़ के नीचे से दूसरी जगह दूर 10 किले दूर जाकर बैठ के 5-7 किले। तो अब गरीबदास जी अकेले रह गए। गरीबदास जी ने कहला बाबा जी मुझे दे दो आप, आपका ये अमृत कब कब मिला है, परमात्मा का वो शेष बचा हुआ झूठा दूध गरीबदास जी ने पिया। फिर प्रश्नोत्तरी प्रभु के बारे में चल पड़ी। तब परमेश्वर कबीर जी ने उस गरीबदास जी को उनको ऊपर ले गए, शरीर नीचे रह गया, आत्मा को ले गए सूक्ष्म शरीर को। ऊपर श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी तथा शिव जी के लोक दिखाए, फिर वो धर्मराज का लोक दिखाया, न्यायाधीश का स्वर्ग दिखाया, पितर लोक दिखाए, फिर ऊपर 21 ब्रह्मांड दिखाए जहां ये काल रहता वो स्थान दिखाया, तपतशिला दिखाई जहां पर ये 1,00,000 मानव श्रीधारी प्राणियों को भून कर खाता है, उनमें से गंध निकालता है, जीव मरता नहीं लेकिन पूरे जीवन में जो भी उसने अपने जीवन काल में जो भी आहार किया होता है उसकी कुछ वासना सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। उस सूक्ष्म वासना को तपतशिला पर गर्म करके मानव शरीर से निकालता है स्त्री और पुरुष के तहत। उस 1,00,000 मनुष्यों के उस गंध को वो खाता है। जीव अपने कर्म आधार से अन्य स्थानों पर चला जाता है, किसी ने स्वर्ग प्राप्त करनी स्वर्ग में चला गया, नरक प्राप्त भाग्य में नरक है तो नरक में चला गया, मनुष्य बनना मनुष्य बन गया, अन्य प्राणियों के संस्कार है अन्य प्राणियों की योनियों में चला जाता है। और फिर सतलोक दिखाया जहां पर कबीर परमेश्वर अन्य रूप में विराजमान है, वहां पर एक सफेद गुम्बद के अंदर प्रभु विराजमान है। अर्ज कुरस पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। सतलोक के अंदर परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त मानव सदृश शरीर में विराजमान है। परमेश्वर कबीर जी का वहां जो सत्य पुरुष रूप में इनका शरीर है अन्य शरीर है वो इतना तेजोमय है, करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा दोनों की मिलीजुली रोशनी उनके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी है। जब परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, तो नीचे से अपने जिंदा रूप में गए थे वो एक साधु वेशभूषा में, और दूसरे रूप में परमात्मा वहां उस तेजोमय शरीर युक्त सिंहासन पर बैठे हैं। एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा महल है प्रभु का सत्यलोक में, उसमें कबीर परमेश्वर जी यानी सत्य पुरुष रूप में उस तकत पर सिंहासन पर विराजमान है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो भगवान बैठा है तकत पर ये है भगवान, और ये बाबा जी इनका कोई नौकर होगा सेवक होगा यहां का भगत होगा। कबीर परमेश्वर जी ने जो संत वेशभूषा में थे जिंदा महात्मा की वेशभूषा में थे उन्होंने जाकर के वहां एक चंवर रखा था सफेद, सब सफेद बालों का देखा अपने यहां चंवर करते हैं घोड़े की पूछ जैसे बाल होते हैं उसके,
ऐसा चंवर उठा करके और कबीर अपने ही दूसरे रूप पूर्ण परमात्मा के ऊपर चंवर करने लगे ऐसे श्रद्धा पूर्वक। तो गरीबदास जी ये सोच रहे थे कि ये तो बाबा जी तो नौकर है और भगवान ये बैठा तख्त पर, यो भगवान है परमात्मा है। फिर क्या हुआ कि वो तख्त पर विराजमान जो परमेश्वर वो खड़े हुए और जिंदा रूप में जो नीचे से गया था वो तख्त के ऊपर विराजमान हुआ और तेजो में शरीर वाला प्रभु का उस जिंदा महात्मा के ऊपर चौड़ करने लगा ऐसे ऐसे। अब गरीबदास साहिब जी की आत्मा सोच रही है कि भगवान और बाबा जी पर चौड़ करने लग गया, यु महात्मा भी भाई कोई शक्तिशाली दिखा है। इतने में क्या हुआ कि वो जो तेजो में शरीर था वो जिंदा वाले महात्मा जो तख्त पर विराजमान थे उसमें समा गए। अकेले जिंदा महात्मा रूप में जो नीचे से गए थे परमेश्वर वो उस पूरे ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल मालिक के तख्त पर विराजमान थे। तब परमेश्वर गरीबदास जी ने सोचा भी ओ हो बाबा जी तो भगवान ने पढ़िया है तो परमात्मा ही था, इससे दो रूप बना रखे थे, यही दोनों स्थानों पर यही था। फिर चरणों में पड़ गया, दंडवत प्रणाम किया, हे परमात्मा हे भगवान आप हमारे लिए वहां गए थे, हे परमेश्वर ये तो बहुत बढ़िया लोक आपका, हे परमात्मा मैं ना जाऊं यहां से, मैं तो यहीं रहूंगा। तो परमेश्वर कहने लगा भाई बच्चा बात सुन ले, यहां रह तो जागा पर मेरा काम अधूरा रह जाएगा। गरीबदास साहब जी को परमात्मा ने पूरी डिटेल बताई कि तुम सभी यहां रहा करते, ये सब के मकान खाली पड़े हैं, नो के न सुंदर महल है, यहां के राजा महाराजा पूरी पृथ्वी के राजा का सुंदर महल नहीं हो सकता, जहां वहां पर एक एक आत्माओं का वहां महल है अलग अलग से, और भाई तुम सारे यहां रहा करते इस काल के जाल में ऐसे फंस गए तुम, अब आप वापस जाओ और मेरी महिमा से परिचित कराओ, सभी जनजन को समझाओ ताकि इस काल के चुंगलते अपनी प्यारी आत्माओं को हम निकाल कर ला सके, आप जाओ मेरे गवाह बनो, लेकिन मेरी महिमा की वाणी बोलेगा तू और इस वाणी को कोई नहीं खोल सकेगा तेरे द्वारा बोली गई वाणी को। अब जब ये बिचली पीढ़ी आवेगी तब तक इस ज्ञान को हमने छुपा कर रखना है, नहीं तो नकली संतों के हाथ लग जाएगा और ये सिमिलर मिलता जुलता सारा ज्ञान बताने लग जाएंगे और जब बिचली पीढ़ी आवेगी तो हम उसमें भिन्नता नहीं कर सकेंगे और भिन्नता करे बिना जीव अपने को पहचान नहीं सकेगा, इसलिए परमात्मा ने वो ज्ञान इन सबको बता दिया। इन्होंने परमात्मा से मिल जिन जिन को परमात्मा आकर मिले थे उन प्यारी आत्माओं ने उन श्रेष्ठ आत्माओं ने कबीर परमेश्वर की महिमा अपनी अमृत वाणी में लिख दी। आज वो एफिडेविट हो गए उनके, आज वो एफिडेविट बन गए हमारे लिए कबीर परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। अब हम आसानी से पहचान लेंगे अपने परम पिता को और फिर उसके चरणों में लग जाएंगे, हम काल से बाहर हो जाएंगे, फिर काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, हम सतलोक चले जाएंगे। जब तक हम यहाँ पृथ्वी लोक पर अपने संस्कार वश रहेंगे तो भी परमात्मा हमारी मदद करेगा और हमारे भाग्य में ना होगा आवश्यक वस्तु वो भी देगा, हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियों को टालेगा और फिर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होगा कि सचमुच ये कबीर परमात्मा हैं और फिर हम सच्चे दिल से सच्ची लगन से विश्वास के साथ परमेश्वर की भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे, हमारा पीछा छूट जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखी वो सारी परमेश्वर कबीर जी की महिमा अपनी अमृत वाणी में वर्णित की हुई है जो दास आपको पढ़ पढ़कर सुनाता है। इससे पहले कबीर परमेश्वर जी ने भी अपनी महिमा आप ही सुना रखी थी, आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झां झनकारा आप नचे अब देखन हारा। पुण्यात्माओं
परमेश्वर कबीर जी ने प्रत्येक युग में आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी दी, लेकिन जिसको परमात्मा ने जिनको पहचाना और सतलोक देखा, उन्होंने आगे जब बताना शुरू किया तो जिसमें कबीर परमात्मा आए थे, गरीबदास जी आए थे, नानक साहिब जी आए थे, उसमें पूरा मानव समाज अशिक्षित था। केवल एक वर्ग ब्राह्मण ही संस्कृत जानते थे, अन्य समाज को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। और अंग्रेजी पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, फारसी पढ़ लो, वो पढ़ सकते थे, पंजाबी पढ़ लो, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। और सब सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। अब गरीबदास साहिब जी ने वही वर्णन किया परमेश्वर कबीर जी के बारे में, वही वेद बता रहे हैं, वही गीता जी बता रही है, 18 पुराण बता रहे हैं, कुरान बता रहे हैं, कुरान शरीफ बता रही है, ये पवित्र पुस्तक बता रहे हैं, आंखों देखा वो संत बता रहे हैं जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, मिले थे। अब प्रमाण ये बताते हैं कि अब हमें हमारे जो वेद हैं, वेदों को प्रत्येक हिंदू समाज का प्रत्येक श्रद्धालु, चाहे उसने कभी वेद शकल से भी ना देखे हो, पर ये अवश्य कहता है वेदों जैसा ज्ञान नहीं, वेदों जैसा ज्ञान नहीं। और पहले ये भी कुछ कथा सुनने को मिलती थी, कहावत, भाई वेदों का ज्ञान तो सही है पर उसको शोधने वाला नहीं है। शोधना मीन उसका अनुवाद सही कोई कर नहीं पा रहा, वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ है। तो पुण्यात्मा, उन वेदों में भी यही प्रमाण है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर है और वो यहां आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता है? ज्ञान प्रसार उद्देश्य से आता है। इसका थोड़ा सा आपको वर्णन सुनाते हैं। अब देखो, अभी तक सभी निराकार निराकार कहा करते थे, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बता रहे परमात्मा निराकार है, मनुष्य सदृश्य है। कौन से सदग्रंथ? जिनमें पवित्र वेद इंक्लूड है, और पवित्र वेदों में जो लिखा सब मानते हैं कि वो सत्य है। तो इसे सत्य है कि जो पहले दंत कथा सुनाई जाती थी वो परमात्मा निराकार है, निराकार है, कणकण में व्यापक है। अब वो दंत कथा थी, वेद ज्ञान नहीं था, शास्त्र कुल ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा साकार है, उनकी शक्ति सर्वव्यापक है। जैसे सूर्य साकार है, उनका प्रकाश और उष्णता वो अन्य लोकों में भी व्यापक है, ऐसी परमात्मा साकार हैं, उनकी शक्ति सर्वव्यापक है और उनके वचन की शक्ति से सब कुछ हो जाता है। परमात्मा ने एक विधान बनाकर छोड़ दिया है कि प्रत्येक पदार्थ का गुण भर दिया, उसमें गुण दे दिया, और उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाते हैं, वो भी बता रखा है इससे मिलाने से ये बन जाएगा, ये प्रभु दत्त है। अब एक बीज बोते हैं घिया या तोरी का, आम का या किसी काजू किस्म सेब का, तो वो बीज क्या होता है? उसको जब मिट्टी में लगाते हैं तो फिर उससे क्या बनता है? पत्ते से आते हैं, अंकुर होता है, पत्ते से आते हैं, टहनी बन जाती है, एक बेल बन जाती है, फिर इतनी लंबी लंबी घिया और तोरी लग जाती है। ये परमात्मा के वचन से उस बीज में गुण दिया हुआ है। परमात्मा शर्म दर्द नहीं करता, उसने नियम बनाकर छोड़ दिया। उस जब उसको प्रॉपर वो रेशों में जल मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी, तो वो अपने आप क्रिया में आ जाएगा। ये परमात्मा की शक्ति, वचन शक्ति से सब कुछ हो रहा है। इब आप देखते हो, हम इस दास का जन्म पवित्र किसान परिवार में हुआ, पवित्र हिंदू धर्म में। और हम क्या देखा करते, खेतों में मई और जून में खेतों में जमीन पर कोई घास नाम की चीज नहीं रहती थी, उसको बा दिया करते आली, ऐसे हल्के साफ्ट
ऐसे कर देते थे, उसमें कोई घास नहीं रहता था और ना कितना कोई बीज दिखे था। जब वर्षा हो जाती देखो उसमें इतना इतने प्रकार के पौधे और छोटी छोटी झाड़ियां नरी उग जाती, उनको काट देते फिर उग जाती, तो वो बीज कहां था, वो कहां से आ गया। ये गॉड गिवन है, परमात्मा जब चाहे जो कर दे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर परम शक्ति है, वो कबीर देव है और उसने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। वो परमात्मा साकार है, उनकी वचन शक्ति से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है। उसके प्राण परमात्मा ने अपना नियम बना दिया है। अब जैसे अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, खोज करते हैं गॉड गिवन मटेरियल पर, परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों पर ही वे इंसान अपने रिसर्च कर रहे हैं, उससे कुछ बना रहे हैं। और फिर ये भूल जाना भगवान नहीं है तो यह समझदारी नहीं है। विज्ञान गलत नहीं, गॉड गिवन है और परमात्मा की दी हुई बुद्धि है। कलयुग में मनुष्य को ये बुद्धि परमात्मा ही देता है। अब जैसे महा एक बार प्रलय होगी, पृथ्वी पर जल जल हो जाएगा, सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी हो जाएगा, कब, जब कलयुग का अंत होगा। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा। परमात्मा की ऐसी लीला है कि कहते हैं कि फिर ऐसे 10 सूर्य और आ जाएंगे, ऐसे चक्कर लगाते लगाते उनकी ऐसी समय निर्धारित किया हुआ कि फिर वो इतनी स्पीड तो उस जल को खत्म करेंगे और फिर वो धीरे धीरे दूर दूर चले जाएंगे, एक सूर्य रह जाएगा और पूरी पृथ्वी वन ही वन हो जाएंगे। कलयुग के अंत में ये पृथ्वी इतनी खराब हो जाएगी 3.5 फुट तक इसमें उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो ये खाद डाले जाते हैं यूरिया जैसे, अब ये क्या करेंगे, इस उपजाऊ तत्व को कति नष्ट कर देंगे पृथ्वी का। और कुछ समय में ऐसा आ जाएगा कि प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा होनी बंद हो जाएगी, मनुष्यों के आकार की बहुत कम छोटी होती चली जाएगी। जब कलयुग का अंत होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट मानव की हाइट रह जाएगी, 1.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा कोई बड़ा तगड़ा होगा 2 फुट का होगा। और 5 वर्ष की लड़की परवश कराया करेगी, 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, 15 वर्ष मुश्किल से जिया करेंगे, यानी 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें खंड बताई है। जैसे हम 100 मानने हैं तो 80-90 में तकरीबन मर लेते हैं, मनुष्य की आयु 100 मानकर अब चल रहे हैं। तो कहने का भाव यह कि वहां फिर इंसान क्या करेंगे, बिल खोद कर आ करेंगे, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेंगे, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, जैसे ओस गिरा कर ऐसे वर्षा होया करेगी। फिर नीकलंक नाम का एक अवतार धार के विष्णु अवतार बनकर आएगा, वो आत्मा राजा हरिश्चंद्र जी की होगी। वो फिर उस समय कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, कलयुग में इतने निकम्मी आत्मा हो जाएंगी, कोई लाज रहे नहीं, कोई शर्म नहीं रहे, तो उन सब को वो काटेगा, खत्म करेगा, मारेगा। अच्छी आत्माओं का जन्म ऊंचे स्थल पर होगा, पर्वतों के ऊपर, और यह पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर जल भर जाएगा और जो ये खाद का विष पृथ्वी में नीचे तक पहुंच जाएगा, वो फिर जल से ऊपर आएगा, काफी वर्षों तक वो जल रहेगा, फिर वो जल से ऊपर आ जाएगा और पृथ्वी के अंदर तक वो पवित्रता फिर आ जाएगी, उपजाऊ तत्व फिर आ जाएगा। फिर वो पानी जल सूखेगा, जैसे आपको बताया कि कई सूर्य आ जाएंगे, धीरे धीरे वो जल सूख जाएगा, फिर सतयुग प्रारंभ होगा, उसमें पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे। और वन क्या होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पौधे ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इस करके प्रदूषण को नष्ट कर देंगे और फिर बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा,
अच्छी आत्माओं का जन्म फिर सतयुग से फिर प्रारंभ होगा। ऐसे ये कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की ये परिक्रमा चलती रही। अब हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। ये प्रमाण हम वेदों में करना चाहते हैं ताकि आपका जो पहले सुना हुआ ज्ञान वो आपका पीछा छोड़ दे, वो भूत की तरह चपट गया हमारे। और पहली बार सुनते हैं तो इतना बुरा लगा है कि नहीं हमने तो कुछ सुना है को नहीं। अरे हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, विष्णु और शिव जी के पुजारी थे। श्री विष्णु जी की पूजी मूर्ति रखते थे, चित्र की, पीतल की और कागज की। और फिर भी कोई पूछता था भी भगवान देखा था ना, आप ध्यान लगाते हो? हाँ ध्यान लगाता हूँ। भगवान कैसा? भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान को दिखाई थोड़ा देता है। और राम और कृष्ण की, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति साकार सामने रखी है, फिर भी नहीं, भगवान तो निराकार है। ऐसी निराधार सोच थ्योरी सिद्धांत था हमारा, जिसका कोई सिर पैर नहीं था और वो अभी तक विद्यमान है। किसी पंथ में किसी संत ने किसी की उसकी थ्योरी सिद्धांत पढ़कर देख ले उनकी बुक पुस्तक में, ये उवाबाई का ज्ञान पाओगा। केवल कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त और उन संतों के अतिरिक्त जिनको परमात्मा आकर मिले, बाकी किसी को कह कह का ज्ञान नहीं परमेश्वर के विषय में। अब आपको वेदों में ये दिखाना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है और वो मनुष्य सदृश शरीर में विद्यमान है। पहले ये बताते हैं कि परमात्मा अपने लोक से चलकर यहां आता है। देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल 9-10, इस पे महर्षि दानंद का नाम लिखा है, बाकी इसका अनुवादक कोई और है। फिर भी ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृति, गलत लिखा इन्होंने, ये दानंद का किया हुआ नहीं है। इन्होंने इसलिए फीत ला दी इसकी कि इसके नाम ते ये वेद बिक जाए थे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज। वास्तविकता ये है, ये देखिएगा एक और ऋग्वेद का अनुवादक है, ये देखिएगा इसमें इसने निर्णय दिया है कि भाष्यकार, इसका अनुवादक कौन है, महर्षि दान सरस्वती, केवल मंडल 1-6 तक अनुवाद किया है और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 7-10, ये इसका अनुवाद है। शेष जो अनुवाद है इस दामोदर, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा अनुवाद किया है, 1-6 दानंद के द्वारा, सरस्वती द्वारा 1-6। और इन्होंने इसलिए इस पर वो ला रखी है फीत, ये गलत लिखा इन्होंने, कि दानंद के नाम से आदमी खुश होकर ले लेता कि महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, बड़ा बढ़िया अनुवाद किया हुआ। और महर्षि दानंद तो सारा गोबर बना रखा इस वेदों का, जहां इसने अनुवाद किया कति सर्वनाश कर रखा उसका, कोई ठीक से अनुवाद किया ही नहीं, बल्कि ये जो अनुवाद इन्होंने किया ये कुछ हद तक ठीक है,